मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, पधारो उदयपुर में। कल रात को 12:30 बजे मैं उदयपुर पहुंचा और जिप्सी चाइल्ड लेक साइड हॉस्टल में चेक इन कर लिया। सुबह उठकर देखा गोप्रो का माइक भीग गया था, यहाँ तक का सारा फुटेज खराब हो गया। मतलब मुंबई टू उदयपुर लौट के तो तोते उड़ गए। तो सुबह सुबह दिल पर पत्थर रख के ब्रेकफास्ट करने यहाँ आया। चलो नाश्ता इज डन। राजस्थानी मारवाड़ी स्टाइल कचौरी विद कढ़ी, अच्छा लग रहा है अभी खा के। अभी जाएंगे, थोड़ी देर हॉस्टल में बैठेंगे, दूसरी हॉस्टल ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ से चेकआउट करके अभी वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे। साथ में जुड़े रहें। ये हॉस्टल का जो अप्रोच रोड है वो एकदम एपिक है। मतलब छोटी छोटी गलियाँ, लोगों के घर है अगल बगल में, उसके अंदर से जा रहे हैं। एंड इट्स एट द वेरी एंड। हॉस्टल का भी टूर देता हूँ अभी। By the way, everybody meet Piyush and Srinath. Srinath, he's from Hyderabad. He's from Gurgaon. Hi. हमारे roommates, dorm mates हैं। बहुत ही interesting सी चीज़ दिखी है इनको, अभी बताएंगे। Yeah, so this is a diya. Basically ये बस ऐसा vintage type दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि downward side से इसमें oil डालो, right? And then just ऐसे घुमा दो इसको, दिस ऑयल विल नॉट फॉल। और यहाँ पर फिर आप बत्ती लगा दो, लाइक रुई की बत्ती होती है थोड़ी सी लंबी करके इसमें लगा दो, एंड इट कैन बर्न फॉर लाइक होल नाइट। ओह या, सो दिस ऑयल कैन फिल लाइक अप टू हेयर। ओके, यू वांट नो, सो उसके बाद इट कैन यू नो बर्न। और ये कहाँ पे मिली आपको वो भी बता दो। शिल्पग्राम में। तो शिल्पग्राम इज बेसिकली फुल ऑफ यू नो ट्राइबल सेटअप। तो वहाँ पर बहुत तरह तरह की हट्स हैं जैसे ट्राइबल लोग रहते थे। ओके, रहते हैं करंटली। तो गुजरात की हैं, गोवा की भी हैं। ओह या, सो यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ हट्स। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में रन ऑफ कच्छ के पास अगर जो ट्राइबल्स रहते हैं, सो दे हैव दैट यू नो राउंड राउंड। हां हां करेक्ट। तो वहां पे वो राउंड बना हुआ है एंड पूरा प्रॉपर साइनेजेस है वहाँ पे। आपको कुछ गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ती। ओके, एंड यू नो सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है। ओके, एंड द मार्केट इज आल्सो देयर। लवली लवली। तो कोशिश करेंगे शिल्पग्राम जाने की, अगर हुआ तो आज जाएंगे, वरना फिर आई कैन शो अ डेमो एज वेल जस्ट टू। अरे सुपर्ब। से कि भाई पानी है अपने पास, ऑयल तो नहीं है, बत्ती भी नहीं है, खाली बस पानी से देखते हैं। सो इन दिस इफ यू जस्ट पुट द वाटर लाइक एन ऑयल यहाँ डाल दिया हमने, इसको बस ऐसे करो तो इट डजंट हैपन। सुपर्ब। यहाँ से यू कैन जस्ट सिंपली। क्या बात है। Yeah. Really interesting. Yeah, it's an interesting piece. Thank you so much, Piyush. इसके लिए हो सके जाएंगे और ये लेके भी आएंगे वहाँ से। See you guys. Thank you. So Shri is leaving. उनका आज का day planned है. So bye Shri. मिलते हैं। Bye bye. फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जरूर। चलो see you bye Shri. Bye bye. Thank you. टाइम टू लीव जिप्सी चाइल्ड लेक साइड हॉस्टल। यहाँ से निकलेंगे, अगली जगह चेक इन करेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे। सो बाय बाय जिप्सी चाइल्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम। सो जिप्सी चाइल्ड से चेकआउट करने के बाद जिस हॉस्टल में गया वहाँ पे फुल हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे हॉस्टल में गया, वो भी फुल था। 3, 4, 5, 6, 7 हॉस्टल के अंदर घुस के रिजेक्शन झेल के बाहर आया। फिर मैंने बोला तेल लगाने गया हॉस्टल, 2 घंटे इसमें बर्बाद हो गए। पूरा उदयपुर 2 बार घूम लिया हॉस्टल ढूंढते ढूंढते। बोला अभी ये करने नहीं आए हम यहाँ पे आए चिल करने, एंजॉय करने, एक्सप्लोर करने। तो एक्सप्लोर करने हम आए शिल्पग्राम। शिल्पग्राम जो है ये उदयपुर से थोड़ा बाहर है, मेन सिटी से फतेह सागर लेक के पास है। रास्ते में फतेह सागर लेक दिखा था, ब्यूटिफुल एकदम। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे जो तरह तरह के ट्राइबल लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अपने हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं और यहाँ पे उनको बेचते भी हैं हैंडीक्राफ्ट्स को। ये आप देख सकते हो इंद्र विमान लिखा हुआ है, रथ जैसा लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लो। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं इंद्र विमान के बारे में,
पढ़ूंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा इसके अंदर, आगे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखेगा तो वो भी दिखाऊंगा, आगे मिलते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि इसको आप कैसे भी लेके जा सकते हो, जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे में 72 kg वजन है तो भी कुछ नहीं होगा उसका सर। क्या बात है, ये मिट्टी का दिया है? मिट्टी का है, टेराकोटा जी, ये टेराकोटा कलर है और इसमें नेचुरल है ये वाला। अच्छा, इसको पेंट नहीं किया? हाँ, इसको पेंट नहीं किया, ये पेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप 10-12 फीट तक का कोई सा भी काम करवा सकते हो। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी मटकी भी बनाई थी हमने। अरे बाप रे, नॉट फॉर सेल है? नॉट फॉर सेल जी, क्योंकि मिट्टी का पैसा नहीं होता है। लोग अगर मैं सेल करूंगा तो क्या बोलेंगे कि इतना महंगा कैसे? हाँ, मिट्टी का पैसा नहीं है ना, मेहनत का पैसा, कलाकारी का पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत सुंदर उसको नोट फॉर सेल बनाया हमने। एक और बार देखूं जरा? हाँ हाँ, आप खुद अपने हाथ में लीजिए ना, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया। ये तो फोकस भी नहीं हो रहा, इतने छोटे हैं। इससे भी और भी है, इसका सेट है, मतलब इससे बड़ा। अच्छा अच्छा, फिर इससे बड़ा टी पॉट भी है, ये टी पॉट भी है। सुंदर, बहुत सुंदर। इसको नॉट फॉर सेल करके गलत किया आपने। एक्चुअल में सर देखो, हम सेल भी कर देते हैं लेकिन, बट अब मैं इसकी क्या कीमत लगाऊं? सही बात है, सोचने की बात तो है। मैं 200 भी लगाऊं तो भी कम है, अगर मैं 200 किसी कस्टमर को बोलूंगा बोलेंगे उनको ज्यादा लगेगा, इतनी सी मिट्टी का आप 200 ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बट इनका ये पता नहीं है कि क्योंकि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, कलाकारी है। ये सीटी है, इसको ऐसे भी बजा सकते हैं, पर इसको अगर पानी में डुबा के, पानी भर के इसको बजाओ तो डिफरेंट साउंड आएगा। हाँ, चिड़िया की, चिड़िया वाली साउंड। जैसे दही के लिए ये 3 kg मिक्स करके बनाया गया, दही जमाने के लिए, दही जमाने के लिए। इन मिट्टियों को इसको मैं मिक्स करते हैं, रेड येलो ब्लैक तीनों। अच्छा। मिट्टियों को मिक्स करके फिर पकाते हैं इसको। अच्छा। और नेचुरल कलर, इसका कोई पेंटेन नहीं है, नेचुरल ही होता है। अच्छा, कलर ही ऐसा है इसका? हाँ, कलर ही ऐसा। अच्छा। जैसे कि इसमें तो और भी है, उसको बोलते हैं डबल फायरिंग, वो भी नेचुरल ही है। अच्छा, कोई पेंटेन नहीं। जैसे कि आप ये पोर्ट देख रहे हो, इसके ऊपर भी कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये नेचुरल है। और फिनिशिंग भी देखो, इसकी मिट्टी को कपड़े से छानते हैं सर। अच्छा अच्छा, कॉटन का एक बारीक कपड़ा होता है। हाँ हाँ, इस कपड़े से छानते हैं। अच्छा, फिर जाकर के व्हील के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, ये नेचुरल, मतलब एकदम चिकनी मिट्टी होगी। हाँ, सीधा करोगे बिल्कुल नहीं आएगा, आगे से रुई लगा दो कॉटन, फिर जला सकते हो, निकालना कम ज्यादा करना तो ऐसे ही आएगा। ये घनश्याम जी की झोपड़ी में सांप घुस गया था 6 फुट का। ठीक है, तो आपने ये दो दिया मुझे, गोल्ड वाला। हाँ। और एक सीटी जी। एक और ले लेता हूँ वो गोल्ड वाला, आप मुझे रेट सही सही बताइए तो मैं तीनों चारों चीजें ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी घूम के आता हूँ, फिर आने के बाद सारा लेके जाता हूँ। गोल्डन में ही सर? गोल्डन में नहीं, एक इसमें दे दो। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, अब किस तरफ जाऊँ? यहाँ जाऊँ? अरे वो दोस्त, यहाँ पर भी और हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। अच्छा अच्छा, तीन को मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं यार, थैंक यू घनश्याम, आता हूँ। वीडियो? हाँ, नहीं नहीं, वो अच्छा पकड़ने जो आए थे, वीडियो नहीं बनाना, सांप का बना लो, हमारा नहीं बनाना। अच्छा हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन होती है ना उनको। मैं पेंटिंग बनाता हूँ, ये उदयपुर का मिनिएचर आर्ट है, यहाँ का फेमस आर्ट है, मिनिएचर मतलब स्मॉल। हाँ, छोटा। और ये सिल्क कपड़े के ऊपर है, स्टोन कलर से, ये सिल्क कपड़ा है। Okay. इसके ऊपर स्टोन कलर यूज करके फिर ये बनाया है। और एलिफेंट सिंबल ऑफ गुड लक। हाँ, गुड लक इसलिए क्योंकि गणेश जी का प्रतीक होता है एलिफेंट, इसलिए एलिफेंट सिंबल ऑफ गुड लक। सुंदर। और एक ये है, कृष्ण लीला का शैली बनाया हमने, ये भी सिल्क कपड़े के ऊपर है। Okay. स्टोन कलर्स एंड कैमल कलर। लवली। और ये है, ये भी कपड़े के ऊपर है, सिल्क कपड़े के ऊपर, इसमें हमने 6 सिंबल में बनाया है, एलिफेंट सिंबल गुड लक, हॉर्स पावर, कैमल लव, पीकॉक हैप्पीनेस, टाइगर प्रॉस्पेरिटी, काउ ह्यूमिनिटी। और ये तीनों एनिमल है विद 3 सिटी,
पिंक सिटी, वाइट सिटी एंड गोल्डन सिटी। पिंक सिटी जयपुर हवा महल, वाइट सिटी उदयपुर लेक पैलेस, और ये डेजर्ट का महल जैसलमेर। गुड लक, पावर, लव, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। सुंदर सुंदर। मॉर्निंग में चाहिए अपने को गुड लक, बिल्कुल गणेश जी का प्रतीक है, गुड लक हो गया। पावर ये इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए सिंबल ऑफ पावर। दिन भर में जो भी काम करते हैं उसके लिए अपने को चाहिए पावर। और ये सिंबल ऑफ लव इसलिए क्योंकि हमारे डेजर्ट का एक कपल था ढोला मारू, तो उनकी मुलाकात इसी पे हुई थी। अच्छा। और उनकी लास्ट यात्रा जो थी वो हैप्पी एंडिंग हुई थी, इसलिए सिंबल ऑफ लव। गुड नाइट इसलिए क्योंकि रात को अपन दिन भर का काम करके थक के घर पे जाते हैं, तो घर वालों का प्यार, सबका प्यार चाहिए, इसलिए सिंबल ऑफ लव। सुंदर सुंदर। और एक ये है पिकॉक हैप्पीनेस। पिकॉक हैप्पीनेस का सिंबल इसलिए क्योंकि मोर को नाचते हुए देख के अपने को खुशी होती है, और मोर पंख ऐसी चीज है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह का। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। और ये वारली आर्ट है महाराष्ट्र का। जी जी, ये तो हमारे घर पे ही मिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच के जो आदिवासी है वहाँ का आर्ट है, और उनकी रूटीन लाइफ के ऊपर है। जी, दिन भर में जो भी काम करते हैं वो सारी चीजें इसमें दर्शाई हुई है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं पूरा एक वेडिंग का सीन दिया हुआ है। ये पूरा शादी का, गांव में जो शादी होती है जी, जी। वो पूरा शैली है। ये भी आप ही ने बनाया? जी, सारा हैंडमेड। बहुत सुंदर। हाँ, वहाँ की दीवारों पे, और पहले ट्राइबल लोग जो थे उनके घर में कोई फेस्टिवल होता था तो घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए दीवारों पे बनाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले के टाइम पे वो कलर यूज नहीं करते थे। हाँ। चावल को क्रश करके नेचुरल दूध में मिला के फिर उसका कलर बनाते थे, हल्दी जी वगैरह, और उसके बाद इसको ब्रश से नहीं बनाया जाता था, बांस की लकड़ी को वो आगे से नुकीला करके। अच्छा। और फिर पीट के थोड़ा उसको ब्रश टाइप बनाते थे, फिर उससे ये पेंटिंग बनाई जाती थी दीवारों। और अभी तो जमाना मॉडर्नाइज हो गया तो इतना टाइम चावल को क्रश करेंगे, दूध में मिलाएंगे। हाँ। तो हमने कलर से कलर यूज किए हुए हैं, कुछ एक्रेलिक हैं, कुछ कैमल कलर हैं। अच्छा। उनसे बनाया हुआ है। और एक ये पोस्ट कार्ड बनाया हमने छोटे साइज में, इसमें और भी है। ये आप इसमें किसी को कुछ लिख के दे सकते हैं या फ्रेम करवा सकते हैं। ओके। ये देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपने कहीं से आर्ट सीखा है? मेरे फादर से सीखा है। फादर से? अच्छा। वो काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं, 1989 से। अच्छा, आप राजस्थान से ही हो? जी, मैं यहीं से हूँ, उदयपुर से। अच्छा। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, और यहाँ गवर्नमेंट हमें बुलाती है 3 महीने के लिए। अच्छा। तो यहाँ जो हाथ से बनाने वाले आर्टिस्ट है उन्हीं को गवर्नमेंट मौका देती है 3 महीने के लिए। अच्छा। तो यहाँ हमें खुद बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, हमारी मेहनत मिल जाए वही काफ़ी है, और रेंट वगैरह कुछ नहीं देना होता। अच्छा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये झोपड़ी वो देखिएगा जी, पहले 4 स्टेट का कल्चर था, अब 5वां भी हो गया। बोडो कल्चर है ना वहाँ का, नागालैंड का। ये जो हट्स बने हुए हैं। हाँ हाँ। तो ये सारे जो है वहाँ के आर्टिस्ट ही आके और जैसा वहाँ है सेम वैसा का वैसा बनाया हुआ है। हाँ। जैसे ये झोपड़ी जो है ये जैसलमेर की है। अच्छा। सम गांव। हाँ। और पीछे जो आपने देखी। हाँ। वो रामा गांव की झोपड़ी थी। अच्छा अच्छा। वो पुअर फैमिली एंड ये रिच फैमिली झोपड़ी। अच्छा अच्छा। और वो उसमें आप जैसे दीवार में जो होल देख रहे हैं। हाँ, हाँ। वो उसके पीछे भी एक रीजन है। अच्छा। क्योंकि गर्मी में वहाँ तो रेत ही होती। हाँ, है। हाँ, हाँ। तो गर्मी में जो रेत जो आती है। हाँ। तो वो दीवार से टकरा के रेत बाहर रुक के और हवा सिर्फ अंदर जाती है। अच्छा। ठंडी हवा की। अच्छा, हमने ये दो सिलेक्ट किया है जी, गुड मॉर्निंग और ये गुड आफ्टरनून। तो अभी उन्हीं के हैंडराइटिंग में वो हमको लिख के देंगे जी। आपका नाम क्या बताया? मेरा गोपाल सर। गोपाल जी, बैठो चेयर पे आराम से। अब बहुत बैठ लिए, बस अभी बैठना ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम 700 किलोमीटर बैठ के आए, अभी और नहीं बैठ सकते। देखिए ये जो है बेडशीट है। अच्छा। इसमें 3 काम किए हुए। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ये पहले स्केच करके इसको डिजाइन बनाते हैं। अच्छा। फिर उस डिजाइन को काटते हैं, फिर जितना काटा है उसको अंदर फोल्ड करके बारीक सुई से स्टिचिंग करते हैं। अच्छा। इसको एप्लिक वर्क बोलते हैं। एप्लिक? हाँ, एप्लिके। अच्छा, एप्लिके। हाँ, एक्चुअली ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है एप्लिक। एप्लिके। हाँ हाँ, अपने यहाँ पे कट वर्क बोलते हैं। कट वर्क जी। हाँ।
काट के फिर बनाना, और ये जो अलग अलग कलर के टुकड़े लगे हुए हैं इनको पैच वर्क बोलते हैं। अच्छा, और फिर इसके ऊपर जो ये काम किया हुआ है इसको काथा वर्क बोलते हैं। अच्छा, इस काथा वर्क को इसको स्टिचिंग में चार चार तरह की स्टिचिंग होती है, ये लॉन्ग स्टिच है, मतलब LKG क्लास है ये इस वर्क की। अच्छा, इसमें तीन बेडशीट का मटेरियल लगता है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड इस कलर वाला और थर्ड ये वाइट वाला। हाँ, तीन बेडशीट का मटेरियल, तीन काम और तीन ही यूज है, बेडशीट में यूज कर सकते हैं, बेड कवर में और क्वाल्ट में। अच्छा, 3-in-1। अब इस बेडशीट को बनाने में 1 महीना लगता है, सामने टंगी हुई देखो। हाँ। और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले से 100 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉर्डर के गांव है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री या फॉर्म नहीं है, तो वहाँ के निवासी ये काम करते हैं। अच्छा, आप वहीं से? मैं वहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आर्टिस्ट है उसको सीधा दाम मिले और लेने वाले को सही चीज मिले, इस उद्देश्य से हमें यहाँ बिठाया। ये हमारे गांव में पूरा गांव काम करता है, कोई भी जाति बंधन नहीं है। अच्छा, कोई जैसे हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ, सब आर्ट बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें से कुछ मास्टर आर्टिस्ट होते हैं। हाँ, उनके पास ऑर्डर आते हैं। अच्छा, तो वो अपने उन वर्कर को काम दे देती हैं, उससे ही एकटा होता है। बाकी एक आदमी 1 महीने में बनाए, साल में 12 बेडशीट बने, उसमें भी 3 महीने काम पड़ गया तो 7-8 ही बना पाएगा। 7-8 बना पाएगा उसको 5 साल में बिकेगी या 10 साल में बिकेगी, इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर काम सब नहीं करते हैं। हाँ। ये राजीव गांधी जी ने 89 में इसका इनॉग्रेशन किया था। अच्छा, तो ऐसे 7 भारत में बनाए थे, शिल्पग्राम जैसे। हाँ, ऐसे 7 बनाए थे। सबका नाम शिल्पग्राम ही है? नहीं, वो ये वेस्ट जोन कल्चर है। हाँ हाँ हाँ। इसका नाम इसके ऑफिस भागोर की होली और घाट पे है। हाँ हाँ हाँ। ISRS इसका संचालन करते हैं। अच्छा अच्छा। और इसका नाम शिल्पग्राम है। हाँ हाँ। हैदराबाद में शिल्पारामा है। हाँ, शिल्पारामा। और सूरज कुंड में बनाया हुआ है, उसका नाम सूरज कुंड है। अच्छा अच्छा। ऐसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे 7 बनाए गए, बनाए थे। हाँ। उन्होंने इसलिए कि भारतीय संस्कृति जिंदा रहे, तो इसमें परफॉर्मेंस वालों को भी बुलाते हैं, इस कोविड के चक्कर से नहीं आए। अच्छा, नहीं तो परफॉर्मेंस वाले भी आते हैं, डांस एंड सिंगिंग। सिंगिंग, हाँ, जो ये परंपरा बंद न हो जाए आने वाली पीढ़ी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस उद्देश्य से बनाया। बिल्कुल, कोविड में तो बहुत ही तकलीफ हो गई होगी सबको। मैं तो हम मटेरियल खरीदने नहीं जा पाते, तो बनाए कहाँ से। बिल्कुल, और किसी को हाथ लगे हुए पैसे भी नहीं लेते थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर कलाकार तो फंस ही गया। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम स्वरूप चंद है। स्वरूप चंद जी, जी ओके, थैंक यू। हैंडीक्राफ्ट्स देख लिए, अभी हम जाएंगे म्यूजियम में। माटी के रंग, एंट्रेंस ही कितना सुंदर है वो देखो। सो मेनी स्कल्पचर्स, ब्यूटीफुल आर्ट। अंदर जाके देखते हैं। वाओ, चेक दिस आउट। ये सब कुछ मिट्टी का बना है। घोड़े का साइज तो देखो, एक्सट्रीम। और भी चीजें हैं, बहुत सुंदर है पूरा म्यूज़ियम। जो आर्ट फॉर्म है, जो आर्ट है, उनके हाथ में जो बारीकी से काम करने की जो पेशेंस है, जो स्किल है, और मतलब वो सारी चीज़ें जो इन लोगों के पास है, ये बहुत रेयर चीज़ें हैं। और ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, एंडेंजर्ड है ये चीज़ें, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया है यहाँ पे।
एंड लुक एट दिस, ये आई थिंक जैसलमेर में ऐसे घर बनते हैं जिसमें खिड़कियां छोटी छोटी होती है, जैसे वो बोल रहे थे गोपाल, अंदर रेत नहीं आए हवा के साथ, इसीलिए खिड़कियां छोटी होती है। सामने देखो यार, मतलब वेस्ट जोन यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इवन गोवा, ये सारे स्टेट्स में जो ट्राइबल कल्चर है उसको यहाँ एकदम अपलिफ्ट करके डिपिक्ट किया है, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। जी जी आइए। ये दिया बनाया है? हाँ, ये मैंने लिया वहाँ से, घनश्याम से। जी जी, बहुत सुंदर दिया है वो। जी, ये आप अभी बना रहे हैं? हाँ, आपको देखना है तो बना रहे। इतना सुंदर बनाया जी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। इसको आप भट्टी में गर्म करते हैं? हाँ, सूखेगा धूप में। अच्छा, फिर बाद में सूखने के बाद में भट्टी में जलेगा। अच्छा, जलता। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बढ़िया, शुक्रिया जी। बाप रे, कुछ नहीं होगा ना, कड़क पका दे ये, इसको आग में जलाया हुआ। हाँ, इसलिए बहुत मजबूत होता है। सब हाथ से बनाया, हाथ का काम। ये गाड़ी अब निकलने का ही ये अच्छे गणपति हैं। अब आज भी तो गणेश चतुर्थी चल रही है। यहाँ पर और बहुत सारे स्टॉल्स हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, कपड़ों के हैं मोस्टली, पर अपना बिल्कुल मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, क्योंकि अपने को लगी है तगड़ी वाली भूख। और यहाँ पर इसके अंदर खाने की कोई जगह है नहीं, तो अगर आप आते हो तो पेट भर के आना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर।